वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है नवीन टमटा, आई एम एक्सेल वीपी। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा से कोई ना कोई नई वीडियो लेके आता हूँ, उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए आज एक और नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरे उन साथियों के लिए जो कि एक्सेल के ह्यूज डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, और उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए उन्हें एक्सेस डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो गाइस देखिए, एक्सेस डेटाबेस के अंदर हम डेटा तभी मेंटेन करते हैं जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, और उस एक्सेस डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेरीज लगाने के बाद डेटा को क्लीन अप करके हमारा मास्टर डेटाबेस तैयार होता है। उस मास्टर डेटाबेस से तब हम दोबारा फाइलों को एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल के अंदर फिर हमारी रिपोर्टें बननी स्टार्ट होती हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के अंदर मैं यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अगर एक्सेस के जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है इसके डेटाबेस के अंदर अगर मेरा कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेल में किस तरीके से लेके आया जाएगा। तो गाइस देखिए, इस टास्क को करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, वो एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे मेरी एक शीट है, इस शीट का नाम है एडीओ कनेक्शन। एडीओ कनेक्शन के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मेरे पास कुछ हेडर्स पड़े हुए हैं। तो ये जो हेडर्स हैं, जैसे कोई आईडी दी हुई है, की है, जॉब टेक आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन हेडर्स के बेसिस पर मेरा कहीं पर ही एक्सेस में एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर डेली बेसिस पर कुछ डेटा मेंटेन होता है। उस डेटा को मुझे इसके अंदर किस तरीके से एक्सपोर्ट कराना है तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक्सेस का डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो, एक टेबल बनी हुई है और एक कुछ क्वेरीज लगी हुई। एक क्वेरी है कैन डेटा के नाम से, एक कैंडिडेट डेटा है और कैन डेटा करके एक क्वेरी बनी हुई है। तो इस क्वेरी का डेटा मुझे एक्सेल के ऊपर लेके जाना है। तो देखिए किस तरीके से होगा। इसके लिए गाइस आपने सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले डेवलपर टैब में जाइए। डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक, और इस विजुअल बेसिक के अंदर जाने के बाद आप एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए लाइक दिस। जैसे आपने मॉड्यूल इंसर्ट किया, मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद आप अपने मॉड्यूल का नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी एक ही वीबीए के प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे मॉड्यूल होते हैं। अब उनका नाम मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू से सपोज के उसके अंदर 10 मॉड्यूल्स अगर डले हुए हैं, तो 10 मॉड्यूल्स में वी कैनॉट आइडेंटिफाई इस मॉड्यूल के अंदर क्या कोडिंग है या वो मॉड्यूल क्या काम कर रहा है। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही होती है कि मॉड्यूल का नाम चेंज कर दीजिए। मॉड्यूल का नाम चेंज करने के लिए गाइस आपको इस मॉड्यूल के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है जिसका भी आपको नाम चेंज करना है, और उसके ऊपर F4 की को प्रेस कीजिए। F4 की प्रेस करने के बाद आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्सेस टू एक्सेल। जैसे ही आप ये नाम देने के बाद इसको क्रॉस आउट करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम एक्सेस टू एक्सेल चेंज हो जाता है। अब ये वाला काम करने के बाद अगला काम आप लोगों का क्या होगा कि आप इस टूल के अंदर जाइए। टूल में जाके रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस के अंदर आके गाइस आपको यहाँ पर दो लाइब्रेरी एड करानी है। तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट जो इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर आ जाइए। उसमें आने के लिए आपको पेज डाउन करके माइक्रोसॉफ्ट वाले सेक्शन पे आ जाइए जहां पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और दूसरी लाइब्रेरी आपकी ये 6.1 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 6.1 लाइब्रेरी इसके ऊपर क्लिक कर लिया। इन दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ओके कर दीजिए। नाउ वी आर ओके टू गो। तो यहाँ पर अब मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। कोड लिखने के लिए मुझे सबसे पहले अपने सब रूटीन को डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सब, और जैसे मैंने बोल दिया एक्सेस डेटाबेस। जैसे आप ये लिखने के बाद एंटर हिट करते हैं तो एंड सब अपने आप आ जाता है, और ये दो जो ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं अपने आप ही लग जाते हैं।
अब ये लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपने जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करने हैं। तो जो वेरिएबल हैं वो आप बहुत ही स्पेसिफिक और अपने मीनिंगफुल होने चाहिए, तो उसी हिसाब से आप डिफाइन कीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टीम कनेक्शन एक्सेस एस कनेक्शन, उसके बाद मैंने बोल दिया टीम एक्सेस रिकॉर्ड्स एस न्यू रिकॉर्ड सेट। ये दो डिफाइन करने के बाद अब आगे आपने पाथ को डिफाइन करना है, तो पाथ किस तरीके से डिफाइन हुआ, जैसे मैंने बोल दिया टीम एक्सेस डेटाबेस पाथ एस स्ट्रिंग। इसको मैं स्ट्रिंग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कोई भी जो पाथ होता है गाइस वो सारा का सारा टेक्स्ट, वो सारी टेक्स्ट वैल्यू होती है, तो टेक्स्ट वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होती है। तो इसके लिए इसका जो डेटा टाइप है वो मैंने स्ट्रिंग ले लिया। इसके बाद आप बोलिए डीम कनेक्शन प्रोवाइडर एज स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग में ही जाएगा। देन कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, और इसके बाद आप जब आपने ये सारे जो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, यहाँ पर दो वेरिएबल और डिफाइन कीजिए। तो अगला जो वेरिएबल होगा वो होगा आपका माय क्वेरी, ये भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए एस स्ट्रिंग। एंड लास्टली ये भी डीम के साथ से डिफाइन होगा, एंड डीम नेक्स्ट रो एस इंटीजर। ये आपने अपने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, अब आपने अपना जो डेटाबेस का पाथ है उसको डिफाइन करना है। तो डेटाबेस पाथ को डिफाइन करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले ये जहां पर भी आपका एक्सेस का डेटाबेस पड़ा होगा उसके फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आप कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, विंडो आर प्रेस कीजिए। तो जैसे आप विंडो आर प्रेस करते तो यहाँ पर आपके पास ये रन विजार्ड आ जाता है। इस रन विजार्ड के अंदर जो भी आपका पहले से सर्च हुआ होगा उसको डिलीट कर दीजिए, और ये जो एक्सेस की फाइल है इसको उठा के इसके अंदर रख दीजिए, इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हैं तो इसके अंदर आपको इसका पूरा पाथ मिल जाता है। इस पूरे पाथ को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने कोडिंग पे आइए, और कोडिंग में जो भी आपने ये जो आपका एक्सेस डेटाबेस पाथ जो आपने दिया था यहाँ पर लिखिए एक्सेस डेटाबेस पाथ इक्वल टू एक कोट और कोट क्लोज, उसके अंदर इस पाथ को रख दीजिए। उसके बाद आपने कनेक्शन प्रोवाइडर को डिफाइन करना है, तो यहाँ बोल दीजिए कनेक्शन प्रोवाइडर इक्वल टू, तो जो कनेक्शन प्रोवाइडर होगा गाइस इसको आपने डबल कोट में ऐसे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए सी ई डॉट ओ एल ई डी बी देन 12.0 और एक सेमी कॉलन एंड कोट क्लोज, ये आपका कनेक्शन प्रोवाइडर हो जाएगा गाइस। इसके बाद आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या चीज होगी, यानी कि मैं इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कराना चाहता हूँ। इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कराने के लिए मुझे लिखना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, जब आप इसको लिख लेंगे तो आपको एक कोट लगाना है, कोट लगा के यहाँ लिखिए प्रोवाइडर। प्रोवाइडर लिखने के बाद गाइस आपने इसको इक्वल टू का साइन देके ऐसे बंद कर देना है प्रोवाइडर इस तरीके से, और यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कराइए आप अपने कनेक्शन प्रोवाइडर को, लाइक ये जो कनेक्शन प्रोवाइडर आपका ऐसे आपने दिया हुआ है। तो ये देने के बाद आपने फिर इसको लिखने वाला एक कॉन्कैटिनेशन फिर करनी है, और वहां पर आप लिखिए जो आपका डेटा सोर्स है, तो वो डेटा जो सोर्स होगा वो आपका क्या होगा गाइस, उसके अंदर आपने लिखना है ये जो आपका एक्सेस डेटाबेस वाला पाथ है एक्सेस, जैसे डेटाबेस पाथ करेंगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा, तो ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगा। ये करने के बाद फिर आपने आगे कनेक्शन को ओपन कराना है, तो कनेक्शन ओपन कराने के लिए किस तरीके से होगा, तो ये जो गाइस मैंने ऊपर लिखा हुआ ना कनेक्शन टू एक्सेस, तो कनेक्शन टू एक्सेस वाले पाथ को, भले ये जो वेरिएबल है इसको ओपन कराना है हमने,
तो इसको ओपन कराने का यहाँ पर इस वेरिएबल को डिफाइन करके लिखिए ओपन, कनेक्शन को आपने ओपन कराना है वो किस चीज़ के साथ कराना है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। ये जैसे इसके सिंटैक्स के अंदर बोल भी रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से उठा लीजिए और यहाँ पर इसके आगे रख दीजिए, तो दिस वन इज योर कनेक्शन स्ट्रिंग, जिस चीज़ को इसने ओपन कराना है। ये किस चीज़ का मिला जुला रूप है, इन दोनों का। जब आपने इस चीज को डिफाइन कर लिया है तो अब आपने अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब इसके बाद जब आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जब मतलब की कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसके बाद इसने अपनी क्वेरी को ढूंढना है कि किस क्वेरी के अंदर से आपको डेटा उठा के लेके आना है। तो इसके लिए आपने जो आपकी आपने डिफाइन किया है ऊपर माई क्वेरी, इस माई क्वेरी को भी डिफाइन कीजिए, और माई क्वेरी को डिफाइन करने के लिए आपने जो आगे को मतलब जो कोडिंग लिखनी है वो क्या होनी चाहिए, इस तरीके से डबल कोट लगाइए और यहाँ पर लिखिए सिलेक्ट एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार फ्रॉम, और किस चीज के अंदर से, कैन डेटा। अगर ये जो कैन डेटा क्या चीज है, ये वही है जो मैं आपको इस एक्सेस के फाइल के अंदर दिखा रहा था, इस क्वेरी में से मुझे डेटा उठा के लेके आना है कैन डेटा में से। तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि यहां से मुझे डेटा उठा के लेके आना है। उसके बाद हमने जब ये सारी चीज हो जाएगी तो अब हमने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ओपन करा लेना है। तो रिकॉर्ड्स को ओपन कराने के लिए आप यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल है एक्सेस रिकॉर्ड्स वाला, इसको लगाइए और इसको भी डॉट ओपन कराइए। इसको ओपन कराने के बाद आप इसके अंदर बोलिए जो भी आपका सोर्स है, तो सोर्स क्या चीज होगी, सोर्स होगी आपकी ये क्वेरी। तो यहां पर इसको बोल दीजिए माई क्वेरी, इसके अंदर किसके अंदर से, तो ये कनेक्शन टू एक्सेस के अंदर से इस चीज को मैं लेके आ रहा है, तो इस चीज को इसके आगे रख दीजिए। तो यानी कि जो भी आपका कनेक्शन होगा उसके अंदर एक माई क्वेरी लगी होगी, माई क्वेरी जो कि मतलब ये जो हमने क्वेरी डिफाइन की है, तो उस एक्सेस डेटाबेस के अंदर जो भी आपकी क्वेरी होगी उस क्वेरी को हमने ओपन कराना है। जैसे ही ये चीज आपकी हो जाती है तो अब हमें यहाँ पर लूप चलाना है अपना, सो दैट कि इसके अंदर से एक एक एंट्री जो है वो आके हम अपने एक्सेल के अंदर ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक डू वाइल करके हमारा लूप होता है उसका यूज करूंगा। तो मैंने बोला डू वाइल नॉट और ये जो एक्सेस रिकॉर्ड्स है मेरे, तब तक कि हम इसको चलना है जब तक कि एंड ऑफ, और उसके बाद आपने नेक्स्ट रो को डिफाइन कर लेना है यहाँ पर। तो जो आपकी नेक्स्ट रो होगी गाइस, वो नेक्स्ट रो क्या होगी, नेक्स्ट रो होगी हमारी इस एक्सेल की फाइल के अंदर से। तो एक्सेल की जो हमारी फाइल है, इस एक्सेल की फाइल का जो नाम है हमारा शीट का एडियो कनेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर इसको शीट्स, क्योंकि डेटा हमने इसी के अंदर के लेके आना है। इसके बाद आप यहाँ पर लगाइए सेल्स डॉट रोज कॉमा वन, वन का मतलब होता है जो मेरा ए कॉलम है इसके बेसिस पर, मतलब यहां से स्टार्ट होगा मेरा डेटा, और एंड एक्सेल अप डॉट रो। वैसे इसके ये जो नेक्स्ट रो वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ जो कि ज्यादा डायनेमिक है। तो ये जो दूसरा वाला जो तरीका का है, इसको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के थ्रू हमारा काउंटर फंक्शन होता है, तो उसे यूज करते हैं, दैट इज मोर डायनेमिक। तो मैं उसी का ही यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, और काउंट ए के अंदर ये जो मेरी शीट का नाम था, तो इस शीट का नाम मैं रख लूंगा शीट्स डॉट रेंज, और रेंज के अंदर आप सारा पूरा ए से लेके ए तक की पूरा ले लीजिए इस तरीके से। ये इसमें एक एक प्लस करता हुआ जाएगा। अब उसके बाद आपने जो भी आपकी शीट है उसके अंदर डेटा उठा के लेके आना है। तो यहां पर गाइस मैं ना विद कीवर्ड का यूज करूंगा। तो मैंने यहां पर बोला विद इस शीट के अंदर हमें डेटा लेके आना है,
जो कि हमारा होगा लाइक 14 कॉलम तक की। तो 14 कॉलम के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया डॉट सेल्स, इसके बाद इसके अंदर ये नेक्स्ट जो रो है उसको लगाइए, मतलब नेक्स्ट रो कॉमा वन की जो भी वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो भी हमारे एक्सेस के जो भी रिकॉर्ड्स है, जो हमने ऊपर एक्सेस रिकॉर्ड्स करके जो ये वेरिएबल डिफाइन किया था, इसकी जो फील्ड है इस फील्ड का जीरो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए अगर एक्सेस एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल के अंदर ये ए बी सी डी इस तरीके से स्टार्ट होता है, और ये अगर मैं यहाँ पर कॉलम इक्वल टू कॉलम करके अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला चलाऊं तो ये मुझे इसको वन बोलता है एंड सो ऑन, इसको आगे तक खींचते हैं तो उस हिसाब से ये आपको कॉलम का काउंट दे देता है। लेकिन एक्सेस की बात करें तो एक्सेस में जो हमारा बिल्कुल इनिशियल पॉइंट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर फील्ड जीरो हो जाएगी। अब इसी चीज को हमने 14 तक की लेके चलना है, तो इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, ये मेरा हो जाएगा रो टू, मतलब कॉलम टू हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, थ्री एंड दिस वन इज टू, फोर एंड दिस वन इज थ्री, फाइव। तो ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ इस काम को आप वेरी केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो फिर डेटा गलत हो सकता है। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है इनको थोड़ा केयरफुली ही करने का फायदा होता है। तो एट एंड देन दिस वन इज सेवन, लिख रहा हूं मैं इसको केयरफुली कीजिएगा गाइस, क्योंकि इस चीज में कंफ्यूजन बहुत होती है और ये जो कंफ्यूजन है ये थोड़ा सा क्रिएट कर सकती है, तो मैं इस कंफ्यूजन में नहीं रहना। 12 ये 11 हो जाएगा एंड देन दिस वन इज 13, ये 12 हो जाएगा एंड लास्टली इस चीज का बोलेंगे 14 और वो 13 हो जाएगा। अब देखिए है तो ये दोनों के दोनों, अगर आप इन सबको उठा के अगर एक बार चेक करेंगे तो ये पूरे पूरे 14 ही है आपके, लेकिन अगर एक्सेस की बात करें तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनका अगर आप काउंट देखेंगे तो टोटल 14 ही होगा, तो ये इस हिसाब से ही होगा। अब इसके बाद आप इसको बोल दीजिए एक्सेस रिकॉर्ड्स मूव नेक्स्ट, यानी कि एक जैसे ये वाले जो रिकॉर्ड्स इसके अंदर आने स्टार्ट होंगे उसके आगे फिर अगले रिपोर्ट के ऊपर चला जाएगा, फिर उससे अगले फिर उसके अगले, तो इस हिसाब से काम करेगा। और जब ये वाला आपका काम हो जाता है उसके बाद आप इसके अंदर, अच्छा ये जो फील्ड वन जो मैंने लिखा हुआ है इसके आगे वैसे आप ना वैल्यू लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, वैसे तो काम हो जाना चाहिए इससे भी, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि इसके आगे जो भी उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को ही पिक करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसको यहाँ पर वैल्यू जरूर लिख लीजिए। आपका मूव नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट करवाने के बाद जो आपकी ये जो विथ की जो स्टेटमेंट चल रही है यहाँ पर, इस विथ को बंद कीजिए यहाँ पर, तो इस विथ को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ एंड विथ, एंड देन आपने अपना लूप बंद करना है, जो कि आपका ये जो लूप है यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ऊपर से, ये लूप आपका बंद हो जाएगा। और लूप बंद करने के बाद गाइस आप अपनी इफ की कंडीशन भी बंद कर दीजिए, कंडीशन हम ऊपर से चलाते हुए आए हैं, अच्छा इसके अंदर जब मैंने नेक्स्ट रो लगाया था तो नेक्स्ट रो के बाद हमें इफ की कंडीशन चलानी चाहिए थी, ये जो हमने इसको लाइक यहाँ पर वो किया था, सॉरी मैंने इसमें जो हमारी इफ की कंडीशन थी वो तो लगाई ही नहीं। तो गाइस देखिए जो मेरी इफ की कंडीशन है वो क्या है, उसके अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जो हमारे एक्सेस के जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया और इसके अंदर मैंने बोल दिया जो हमारे एक्सेस के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये एक्सेस रिकॉर्ड्स,
अगर इनका जो रिकॉर्ड काउंट है, अगर ये जीरो नहीं होता है, उस केस के अंदर इसको क्या करना चाहिए, ये आगे की कहानी, तब जाके यहाँ से हमारा लूप चलाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर ये मेरा जो लाइक इफ की जो कंडीशन है वो यहाँ पर बंद हो गई है, और उसके बाद आपने जब एंड इफ कर दिया है तो उसके बाद आप अपने जो भी कनेक्शन है उनको बंद करवा दीजिए, तो जो एक्सेस का जो भी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड करा दीजिए, और जो आपका सबसे ऊपर जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था इसको ही बंद करा दीजिए लाइक दिस। तो ये सारा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के थ्रू हम अपने एक्सेल को एक्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जस्ट एक बार इस चीज को चेक कर लेते हैं कि ये जो भी हमने इसके अंदर जो कोडिंग लिखी है क्या ये परफेक्टली काम कर रही है। तो इसके लिए मैं इस चीज को वन बाय वन देखना दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं, और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप को देखने के लिए हमें स्टेप इनटू का यूज करना होता है, जो कि ये वाला आइकन होता है। और देखिए इसके साथ ही स्टेप इनटू के एफ8 बोलता है, Either you can press this icon or press F8, whatever is convenient for you, उस चीज को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर F8 की का ही प्रेस करूंगा, का ही यूज करूंगा। तो देखिए ये जो मेरे जितने भी वेरिएबल हैं उसके बाद एक एक करके इनको हम चेक कर रहे हैं, और ये जो माई क्वेरी है इसने सिलेक्ट स्कैन डेटा में से ले लिया, इसका ये आगे गया और यहां से मेरा लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा एक एक करके। तो अब वहां पर जो हमारी पहली वैल्यू होगी, देखिए हम एक काम करते हैं, इस कोड को मैं तब तक ही रन करूंगा जब तक कि मतलब एक बार तब रन करूंगा जितनी हमारी ये जितनी भी वैल्यूज हैं इसके अंदर नहीं आ जाती। तो इसको एक एक करके मैं ये सारी वैल्यूज इसके अंदर इनपुट करा के फिर एक बार एक्सेस का जो हमारा डेटाबेस है उसको ओपन करके उसके साथ मैच करा लेंगे कि जो वैल्यू इसके अंदर आई है क्या ये वही वैल्यूज हैं। तो देखिए ये इसने आईडी रखती है इसके अंदर, इसके बाद आप इसको और रन कराइए आगे, तो ये की आ गई है। की आने के बाद इसने ओके जॉब रख, तो समथिंग इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आना चाहिए थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। तो गाइस मुझे एक मिनट के लिए इसके अंदर एक जस्ट वांट टू चेक अबाउट दिस स्मॉल थिंग, इसको अगर मैं जीरो बोल रहा हूँ तो ये जीरो के केस के अंदर वहां से कुछ और वैल्यू उठा के लेके आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाले को एक बार मैं जरा अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। वैल्यूज तो गाइस गलत ही आ रही होंगी कि यस नॉट राइट, यानी कि वन के अंदर जीरो की वैल्यू। तो यहां पर ये स्लैब में चर्च कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। की के अंदर की आनी चाहिए और आईडी के अंदर ओके ठीक है। अगर मैं एक बार अपने एक्सेस के डेटाबेस के अंदर जाके देख लूं क्या वहां आईडी करके मेरे पास कुछ है, तो गाइस देखिए आईडी एक मेरे पास की है और की के बाद सीधा से जॉब रेक आईडी आ रही है। तो अगर मैं अपनी इसकी बात करूं तो की मतलब इसके अंदर ये जो आईडी वाला सेक्शन है ये आईएस ये वाला सेक्शन एक्स्ट्रा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा एक्सेस डेटाबेस के साथ इसको हम करके देखते हैं, और आप ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर ये जो लिखा हुआ है की लिखा हुआ है, तो ये की यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद जॉब रेक आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वहां पर ये चीज एक एक्स्ट्रा थी। तो इसके अंदर ये 13 प्रॉब्लम है, यानी कि डेटा उसके अंदर और ज्यादा जाएगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेंगे, तो ये आई गेस इसको 13 तक ही जाना चाहिए, तो ये जो 14वे की जो मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी थी उसकी शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको देख लेते हैं, तो एक्सेस का डेटाबेस बंद कीजिए और इसको फिर से देखते हैं। तो मैंने अपने
अपना कोड यहाँ से रन करना स्टार्ट किया तो ये यस, अब ये बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर डेटा डाल रहा है। तो इसको मैंने यहाँ तक की चेक करने के लिए बोला था, तो इसके अंदर दो फील्ड और आनी चाहिए, एक एंड दो। अगर इस हिसाब से अगर मैं इस कोड को पूरी तरीके से रन कर देता हूं गाइस, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि यहां तक की जो वर्बल ऑफर एक्सेप्टेंस डेट है ये कहता है 12 दिसंबर 2014, तो मुझे इस चीज को एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये सही कह रहा है इसको। ये इसके अंदर 12 दिसंबर 2014 सही कह रहा है। इसका जो ऑनबोर्डिंग की बात हो रही है तो जॉब एक्चुअल स्टार्ट डेट, जॉब ऑफर एक्चुअल स्टार्ट डेट, क्या जॉब ऑफर एक्चुअल स्टार्ट डेट, अगर यहाँ पर इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके देखूँ तो ये जॉब ऑफर एक्चुअल स्टार्ट डेट ये चीज सही कह रहा है, यानी कि इस डेटा के अंदर फिर दोबारा यहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है। तो ये इसको की सही कह रहा है, जॉब रेक आई डी सही कह रहा है, फर्स्ट नेम सही है एंड लास्ट नेम भी सही है। इसके बाद हमारा सीधा एप्लीकेशन स्टेटस है, अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर ध्यान दें तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है गाइस वहाँ डेटाबेस के अंदर, लाइक जो मेरी एक्सेल के अंदर जो मेरे हेडर्स हैं तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टेटस बोलता है इस चीज को, लेकिन यहाँ पर एक कैंडिडेट आई डी दी हुई है जो कि ज्यादा है, तो इसलिए हमारा डेटा बिल्कुल ठीक नहीं उठ रहा है। इसके बाद और चेक करा लेते हैं, ये इसको अप्रूव डेट बोलता है, तो देखते हैं कि अप्रूव डेट वहां पर है तो अप्रूव डेट है। इसका ये ऑफर बोलता है तो ऑफर भी मेरे पास है। रिक्रूटमेंट टारगेट ग्रुप, तो रिक्रूटमेंट अगर मैं टारगेट ग्रुप की बात करूँ तो ये रिक्रूटमेंट टारगेट ग्रुप भी है। इसका हम वर्बल ऑफर करके कुछ कह रहा है, ये वर्बल ऑफर एक्सेप्टेंस डेट, यस ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है उसके साथ। उसके बाद बोलता है जॉब ऑफर एक्चुअल स्टार्ट डेट, तो ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। इसके हमने बोला ऑनबोर्डिंग फ्लो, तो ऑनबोर्डिंग फ्लो भी हमारे पास है, ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लो, तो ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लो भी हमारे पास है। थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। और इसके बाद बोलता वर्क काउंट, तो वर्क काउंट गाइस हमारे पास नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद वर्क काउंट के बाद ये बोलता है आपका वर्क स्टेट, तो वर्क स्टेट भी हमारे पास नहीं है, तो इन दोनों को हम इसके अंदर ऐड करा लेते हैं। वर्क काउंट के बाद काउंट वर्क कंट्री होना चाहिए इसको, वर्क कंट्री मेरी ये है, ऑनबोर्डिंग वर्क फ्लो में ये था। तो इसके अंदर ये दो चीजें और बोल रहा है, वर्क स्टेट और मॉडिफाइड बाय, तो चलिए ठीक है वर्क स्टेट और मॉडिफाइड बाय की मेरे को जरूरत नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर कॉलम, तो ये मेरा 12वां कॉलम है, तो 12वें कॉलम तक ही हमें डेटा चाहिए। इन दोनों को हटा के एक बार कमेंट कर देता हूं, अब देखते हैं कि ये डेटा बिल्कुल सही उठा के लेके आता है या नहीं। तो चलिए एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। वर्क कंट्री इंडिया, बिल्कुल परफेक्ट डेटा उठाएगा ये। तो अगर मैं इसको मैच करना चाहूंगा अपने इस एक्सेस के डेटाबेस के साथ, तो ध्यान दीजिएगा पहले अगर मैं की की बात करूं तो की में लास्ट के अगर जो हमारे यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हैं 36413, तो 36143413 ये बिल्कुल सही है, जॉब रैक आईडी भी यही है 36413। इसका रोहन बजाज कहता है, ये रोहन बजाज ऑनबोर्डिंग 16 जुलाई 2014, 1 दिसंबर 2014। तो यानी कि अगर आप इसको और लास्ट में कुछ मॉडिफाइड बाय बेसमोई करके नहीं, ये वाला डेटा तो यहाँ तक था ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा ये इंडिया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। तो यू कैन नाउ सिंपली क्लोज योर एक्सेस डेटाबेस एंड रन योर कोड फ्रॉम हियर, रन कर दीजिए। ये देखिए ये एक बारी में आपका रन कर रहा है अभी यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए
एक क्लिक में आपका ये सारा डेटा इसके अंदर एक्सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो, और इसके अंदर ये सेम वही काउंट होगा जो काउंट उसके अंदर था। तो इसको एक बार थोड़ा सा और रेड से भी हटा दूंगा मैं, सो दैट ये देखिए गाइस 6377 कह रहा है ना, 6377 ही हमारे उसका काउंट था। तो ये जो है ये आपकी एक्सेस की कनेक्टिविटी है। हालांकि मैं आप लोगों से थोड़ी सी इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि बीच में जो हमारा जो डेटा था वो थोड़ा सा एक्सेल की जो हमारी वर्कबुक है उसके साथ मैच नहीं कर रहा था और हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई थी, लेकिन वी हैव सॉर्टेड दैट आउट। और यह जो भी इसके अंदर जो परफेक्टली हमारा काम होना चाहिए था वो काम हो गया। तो जस्ट अब आपको एक नजर, ये जो कोडिंग है इस कोडिंग को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यही प्रोसीजर होता है। अगर कहीं भी आपकी एक्सेस की कोई क्वेरी लगी हुई है और उस क्वेरी का डेटा आपको उठा के एक्सेल के अंदर लेके आना है तो ट्राई यूजिंग दिस कोड। दिस कोड इज वेरी हेल्पफुल, ये मिनटों में आपका काम करके दे देगा आपको। और क्या बोलते हैं, इसी के बेसिस पर फिर आपका आगे का काम भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि लाइक इसमें आपको देरी कितनी लगी, आपको जस्ट एक क्लिक ही करना है। और अभी के लिए जैसे ये जो कोडिंग है मेरी, इस कोडिंग को मैंने एक मॉड्यूल पे किया हुआ है और इस मॉड्यूल के अंदर आने के लिए तो हमें दोबारा डेवलपर में आके मॉड्यूल के अंदर आना होगा। तो आई डू नॉट वॉन्ट, ये चीज नहीं चाहता हूं मैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, आई कैन सिंपली क्रिएट वन बटन हियर। तो मैंने ये जो ये इंसर्ट करके जो ब्रीफ केस बना हुआ है इसमें एक्टिव एस कंट्रोल के अंदर आके यहाँ से एक ब्रीफ केस ले लिया और इस मतलब एक कमांड बटन ले लिया और इस कमांड बटन के अंदर आके आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। जैसे कमांड बटन का नाम मैं चेंज करूंगा, इसके अंदर मैं ये जो हमारा सब रूटीन है इसको कॉल कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप अपने सब रूटीन को इस तरीके से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जो भी आप जहां भी आपका कमांड बटन होगा उसके अंदर कॉल मूवर पे रख दीजिएगा। तो ये जो कमांड बटन है ये आपके एक्सेस डेटाबेस को वहां से कॉल कर लेगा। और जो कमांड बटन का नाम है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो कमांड बटन वन ये बोल रहा है, कमांड बटन वन को आप बोल दीजिए कनेक्ट विद एक्सेस डेटाबेस। ये देने के बाद क्योंकि ये देखिए इसका जो कलर है और जो बैकग्राउंड में जो कलर है वो दोनों में दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो कमांड बटन है इसका हम कलर चेंज कर दें। तो ये गाइस यहां पर ये बैक कलर होता है, इस बैक कलर में जाके आप जैसा कलर देना चाहते हैं वैसा कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के कलर्स आते हैं, एक ही हमारे पास सिस्टम कलर होता है ये पैलेट। तो इसके अंदर जाके आपको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर दे दीजिए, सो दैट कि देखने में वो कम से कम विजिबल तो हो। तो इसको मैं कुछ लाइक ऐसा अगर कलर देता हूँ तो ये साफ नजर आ रहा है इसके अंदर, ये एक बटन बना हुआ है। तो इस बटन को हम क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। और अब मैं एक काम करूंगा, इसमें से सारा डेटा एक बार हटा देता हूँ इस तरीके से और देखना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी इसने वाला काम करके दे दिया। तो इसके लिए आप डिजाइन मोड से बाहर आइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए क्लिक करते ही आपका डेटा इसके अंदर आ गया है। तो आपको कोई ज्यादा देर भी लगी, ये 6377 जितने भी एंट्रीज है इसमें बहुत जल्दी इसके अंदर लाके रख देंगे। सो दिस इज द वे। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, काफी यूजफुल वीडियो है। और ये इसके अंदर मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इसके अंदर डेटा थोड़ा कम रखा था। जब आपका डेटा बहुत ज्यादा होता है तब भी अब उसी हिसाब से ही काम करेगा जिस हिसाब से इसमें काम अभी आपको करके दिया है। तो इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर क्योंकि इसके अंदर तो खैर 6000 का डेटा था, लेकिन काम आपका बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर कुछ और आपके सजेशंस हैं तो उन सजेशंस को आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।